मानी पद्मे हम, ओम 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 मानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पुनिया और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल कल की 19 गेम ऑफ लाइफ में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि गेम ऑफ लाइफ क्या है। कोई खेल तो नहीं है, कोई सपना तो नहीं है। जैसे रात को हम जब सोते हैं तो सपने देखते हैं, उसमें एक कैरेक्टर होता है जो वो सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा होता है। और कुछ लोग होते हैं जो सपनों को लूसिड कर सकते हैं, मतलब सपनों में अपना कंट्रोल कर सकते हैं, सपने में एक प्लेयर के तौर पे उस गेम को खेल सकते हैं जिसे गेम ऑफ लाइफ कहा जाता है, जिसे मैं गेम ऑफ लाइफ कहता हूं, माई गेम ऑफ लाइफ, माई माया इज इंटरैक्टिंग विद मी थ्रू मी। ये बात बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगी, तो फॉर द टाइम बीइंग हम इस बात को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं नई बात पे, नया क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बहुत से लोगों का क्वेश्चन होते हैं कि भाई नोफैप कैसे करें, ब्रह्मचर्या में सक्सेसफुल कैसे बने, क्या करें। तो मेरा एक ही सजेशन रहता है, अभ्यास और वैराग्य, कंटिन्यूस प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग, डिटैचमेंट फ्रॉम दिस 3D अर्थली थिंग्स एटलीस्ट। डिटैचमेंट मीन्स नथिंग शुड ओन यू, यू शुड बी फ्री, बट समहाउ यू हैव kept yourself in a prison and only you have the key. The car key is within you. Some inner engineering is required to rectify that. And if you want that manifestation in the outer world, you should definitely do something inside so that your outer world will reflect as per your wish. You get what you deserve. ऊपर वाला पात्रता देख के आपको देता है जो भी देता है, तो हमें अपनी पात्रता बढ़ानी है, that's it. ऊपर वाले में इतनी शक्ति है, अगर वो एक फूक मार दे हल्की सी तो हम सब उड़ जाएंगे। तो उसको हमारे अंदर अगर समाना है या हमें अपने अंदर का परमात्मा जागृत करना है तो हमें वो पात्रता लेके आनी पड़ेगी, वो गुण धारण करने पड़ेंगे जो पास्ट में बेंचमार्क सेट किए गए हैं श्री राम के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा और से महापुरुषों के द्वारा। वो करना कैसे है? दो ही चीज है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस, अपनी साधना डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करनी है, और दूसरी चीज वैराग्य। रिमेंबर दैट दिस लाइफ इज जस्ट ए गेम, व्हाई सो सीरियस, एंजॉय द राइड। देयर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ अबाउट विच यू आर सो मच वरिड, टेक ए चिल पिल, take some deep breaths, take some deep conscious breaths like this, it feels like ki kuch bojh utar raha hai. Actually agar aap apni breath ke liye conscious ho jaye kisi bhi tarike se, If somehow you become conscious about your breath, then you control your life. It's similar to, for example, your car is driven by autopilot mode, and now you have come to the front seat on the driver's seat,
You have the steering of your life. Now it's up to you where you want to go. You have opened the key within you, and now you got the access to ride away or fly away wherever you want, whatever you want. जैसे सपने में हम lucid हो जाएं और हमें सपने के अंदर सब कुछ पता लगने लगे कि भाई ये तो सपना है, और सपने के अंदर हम वो सब चीजें करने लगे जो करना चाहते हैं. जैसे कुछ लोग lucid dreaming कर पाते हैं, मैं कर पाता हूं. तो lucid dreaming करते हैं तो हम सपने के अंदर जो सोचते हैं ना वो घटित होने लगता है वैसे की वैसे. तो मेरी गेम एनालॉजी यही कहती है कि इन दिस वर्चुअल सिमुलेटेड रियलिटी गेम कॉल्ड गेम ऑफ लाइफ, जितना आप इस चीज को अपनी लाइफ में उतारेंगे कि ये जीवन जो भी चल रहा है ये गेम है. ब्राह्मण सत्य जगत मिथ्या कंप्लीट आप करेंगे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन इसको कंप्लीट आप करेंगे कमेंट बॉक्स में लिख के. ये श्री शंकराचार्य, ये शंकराचार्य जी ने कहा था या समझाया था दैट दिस वर्ल्ड माया दे टू थिंग्स, पुरुष प्रकृति, पुरुष कॉन्शियसनेस, प्रकृति द एनर्जी, प्रिमोडियल एनर्जी. तो टू थिंग्स, आपके अंदर की जो आत्मा है वो पुरुष है, आपका शरीर जो है वो माया का पार्ट है, वो मैट्रिक्स का पार्ट है. बिकॉज दैट इज द टोकन, यू केम ऑन दिस प्लैनेट, you took a token loan from the planet, this body, this machine, this most advanced machine on the planet, and then when it's time you have to leave this body, you have to repay the debt, right? To ye game hum is dharti pe aate hain, game khelte hain, hame womb milta hai ya hum decide karte hain womb ki hum kis ghar mein jagrit honge, depending kis ghar mein janam lenge, depending on the previous energy which we had. जैसे मैंने पिछले जन्म में समझो कि अगर रूट चक्रा पे काम कर लिया, रूट चक्रा मेरा बहुत साफ है, क्लेंज है, मेरा स्वाधिष्ठान बहुत ठीक है, मेरा मणिपुर चक्र बहुत ठीक है, मेरा हर्ट चक्र बहुत ठीक है, तो अगर नीचे के मेरे चार तीन चार चक्र ठीक हैं तो मेरे पास बहुत से ऑप्शंस हैं डिसाइड करने के कि मुझे कहां जन्म लेना है, कैसे जन्म लेना है, कैसे सरकमस्टांसेस होंगे. दिस माया विल गिव मी सम लेवरेज फॉर माई गुड कर्मास, राइट? तो बेसिकली there can only be two types of karmas, either good karma or a bad karma. Good karma binds you with gold chain, bad karma binds you with iron chain. Both are chains because you as a I has identified yourself with this body or with this energy or with this mind, but you are infinite, you are part of the infinite, and if you operate from that infinite form, your higher self, my higher self, everybody's higher self is one, ek omkar, like Brahman Satya. वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें. धन्यवाद.